ठीक है, तो आज मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लासेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेथड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, सबके लिए, और कैसे वैल्यूज़ को सेट करते हैं और कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? ओके, ठीक है, तो अपन चालू करते हैं और आ जाते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ही यूज़ करना है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्लास स्टूडेंट। ठीक है, क्लास का जो फर्स्ट लेटर होगा, क्लास नेम का जो भी फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा हमेशा, ठीक है, यहाँ नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लास जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहला लेटर क्या होगा उसका? कैपिटल में होगा, ठीक है, सबसे पहला लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल में ही लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब उसमें एक क्लास जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसमें मेंबर वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग डेटा मेंबर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट है, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, उसका रोल नंबर ले लेता हूँ, इंट मैं लूँगा रोल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट रोल नंबर लिया, जब भी हम लोग इस टाइप का डेटा मेंबर कोई भी लेंगे, ठीक है, वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है उसको, क्लियर। स्मॉल लेटर से ही हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, और मतलब ऐसा है कि हम लोग उसको स्मॉल लेटर, अगर हम लोग को मान के चलो दो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, या तो हम लोग अंडर स्कोर ले लें, स्पेस नहीं लेना है हम लोग को कभी भी, ठीक है, अंडर स्कोर ले सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्रकार का कैमल केस हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिया रोल और एन कैपिटल कर लिया, ताकि हम लोग को समझ में आए कि वो रोल नंबर अलग अलग वर्ड थे, हम लोग उसको एक साथ ज्वाइन कर लिए, ठीक है। स्पेस नहीं भी नहीं देना है कहीं पे भी, अगर स्पेस की ज़रूरत पड़े थे, ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अंडर स्कोर लगा सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब रोल नंबर ले लिया, अब मैं लूँगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, स्ट्रिंग क्योंकि एक क्लास होता है यहाँ जावा में, ठीक है, तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, ठीक है। और मैं क्या ले लेता हूँ, इंट एज, ठीक है, इंट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे एम को हम लोग कर लेते हैं स्मॉल, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। इतना मैंने बेसिक डिटेल्स ले लिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज को सेट करेंगे, अब जब भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही क्या रहता है, प्राइवेट होता है, क्या होता है, प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक ये सब पढ़े ना हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट जावा में कोई भी डेटा मेंबर प्राइवेट होता है,
क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। मतलब प्राइवेट को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका होता है पब्लिक मेथड। क्या होता है? पब्लिक मेथड। जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं उसके अंदर अगर कोई भी प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, उसको एक्सेस करने का एकमात्र तरीका होता है कि पब्लिक मेथड बना दिया जाए। ठीक है, क्लियर। मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। सेव हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें वैल्यू को सेट करेंगे। वैल्यू को कैसे सेट करेंगे हम लोग? मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक सेट, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे लेते हैं void सेट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कैसे बनाया हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं? कैमल केस। ठीक है, कभी भी मेथड डिक्लेयर करेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जितने भी उसमें वर्ड्स अटैच होते जाएंगे सारे फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन पूरे जावा में, अगर पहले के भी प्री डिफाइंड मेथड्स वगैरह देख लो, सब जगह नेमिंग कन्वेंशन यूज़ होता है। जितने भी क्लास होते हैं सब के सब का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर। ठीक है, वैसे ही मैं सबके लिए बना लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड क्या है, सेट नेम। ठीक है, पब्लिक वॉइड एज सेट एज। ठीक है, इस प्रकार से पब्लिक वॉइड सेट मोबाइल नंबर। ठीक है, पब्लिक वॉइड क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट वाला सेट एड्रेस। ठीक है, ये मेथड बन गया हमारा। ठीक है, सेट के लिए हम लोग बना लिए। अब सब में यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ एक एक आर्गुमेंट पास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट। ठीक है, जो डेटा टाइप यहाँ पे है सेम डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर रोल नंबर के लिए। ठीक है, इंट आर में ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर इक्वल टू आर। ठीक है, आर में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, आर में यहाँ से जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग एन। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल टू एन। ठीक है, ये हो गया। अब एज के लिए भी वैसे कर लेते हैं इंट ए। ठीक है, एज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं सारे के सारे आईटी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली कभी भी हम लोग इस टाइप के प्राइवेट मेंबर्स में हम लोग कोई भी वैल्यूज़ डालते हैं या फिर एक्सेस करते हैं तो हम लोग पब्लिक मेथड के थ्रू ही करते हैं। करने में तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है, तो कभी भी वैल्यू सेट करना है या फिर गेट का मतलब लेना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग सेट या फिर गेट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट एम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इक्वल टू एम। ठीक है, एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग ADD। ठीक है, क्योंकि ए हम लोग ले चुके हैं, एड्रेस इक्वल टू ADD। ठीक है,
क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे पांच डेटा मेंबर लिए हैं, पांचों के लिए हम लोग सेटर मेथड ले ली, इसको बोलते हैं सेटर मेथड। क्या कौन सा मेथड? सेटर मेथड, ठीक है, जो वैल्यू को सेट करने का काम करता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर के लिए हम लोग सेट रोल नंबर बना लिए हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे सब में वॉइड लगा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पांचों के लिए हम लोग मेथड बना लिए। अब हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, हम लोग लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, और सबसे पहले हमारा क्या है, रोल नंबर है, इंट रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे गेट रोल नंबर, ठीक है, गेट रोल नंबर हम लोग कर देंगे। और इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करना है, रिटर्न रोल नंबर, ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को करना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा, किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, इस रोल नंबर में जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, इंट लिखे हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप हमारा क्या है, इंटीजर, इसको हम लोग बोलते हैं गेटर मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, गेटर मेथड, ठीक है। वैसे सभी के लिए हम लोग बनाएंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्या था, नेक्स्ट क्या था, नेम था हमारा, ठीक है। तो स्ट्रिंग गेट नेम, ठीक है, किसी को बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग उसमें, ज़्यादा कुछ लॉजिक है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, एज, ठीक है, पब्लिक इंट गेट एज, रिटर्न एज, ठीक है, ये हो गया। फिर पब्लिक मोबाइल नंबर के लिए हम लोग इंट गेट मोबाइल, ठीक है, इस प्रोग्राम को साइड बाय साइड लिखते भी जाना है ना, कॉपी मेंटेन करो, ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब, या फिर पेज ही पेजेस वगैरह चेंज कर लो, या फिर जैसा भी होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गेट मोबाइल में रिटर्न मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पब्लिक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, ठीक है, स्ट्रिंग एड्रेस गेट एड्रेस। तो ये हमारे पांचों मेथड तैयार हो गए, ठीक है, गेट सॉरी एड्रेस रिटर्न एड्रेस, ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक क्लास स्टूडेंट बनाए, स्टूडेंट के अंदर पांच डेटा मेंबर ले लिए, कौन कौन से, रोल नंबर, नेम, एज, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ठीक है। सब के सब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे, क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, ठीक है। अब इस प्राइवेट मेंबर को हम लोग को एक्सेस करना है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि हम लोग पब्लिक मेथड बना लें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक मेथड के थ्रू, ठीक है। सेट करने के लिए हम लोग सेट रोल नंबर, सेट नेम, सेट एज, सेट मोबाइल नंबर, सेट एड्रेस, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए, ठीक है। पांचों के लिए पांच सेटर मेथड हम लोग बना लिए, ठीक है। अब उसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, इनिशलाइज हो चुका है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब उसका एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गेटर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गेट रोल नंबर, गेट नेम, गेट एज, गेट मोबाइल नंबर, गेट एड्रेस, ठीक है, इतने हम लोग पांचों के लिए हम लोग गेटर मेथड बनाए जिसके थ्रू हम लोग को उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब देखो, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कैसे कंपाइल करते हैं बताया था मैं, सी एम डी कमांड में चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी डी बैक स्लैश, ठीक है, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे ई में, ठीक है, ई में आ गया सी डी जावा बी सी ए 3, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा सी, उसके बाद स्टूडेंट डॉट जावा, ठीक है। तो हम लोग का जो जावा फाइल है वो कंपाइल हो चुका है और यहाँ हम लोग को क्लास फाइल मिल जाएगी, ठीक है, कहाँ मिलेगी, ई में चले जाएंगे जावा बी सी ए 3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे दो फाइल बन गई है, क्लियर, जैसे ही हम लोग कंपाइल किए क्लास फाइल बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? अब हम लोग जो मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है, या तो हम लोग इस क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग एक न्यू क्लास लेके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैं एक न्यू क्लास लेके करता हूँ, क्लास डेमो, डेमो स्टूडेंट, ठीक है, यहां पे ले रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिए हम लोग, लेकिन ये क्लास के बाहर लिए, ये वाला क्लास देखो, ये रेड कलर का, ये लाइन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इस क्लास के बाहर में है ये, क्लियर, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इससे हम लोग कहीं पे भी, ठीक है, अगर हम लोग इस क्लास को आउटसाइड क्लास में अगर यूज़ कर रहे हैं, ये क्लास है, इस क्लास के बाहर में हम लोग इस क्लास के मेंबर्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना पड़ता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, S1 के अंदर हम लोग के पास इतने सारे देखो यहाँ पे मेथड मिलते हैं, S1 डॉट अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेट रोल नंबर, सेट नेम, सेट एज, सेट मोबाइल नंबर, सेट एड्रेस, ठीक है, पांचों को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी गेट रोल नंबर, गेट नेम, गेट एज, गेट मोबाइल नंबर और गेट एड्रेस को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर, ठीक है, एक ऑपरेटर और होता है जिसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि जो हम लोग स्टूडेंट S1 बनाए, इस S1 के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे या फिर मेथड होंगे, सारे के सारे इस डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किए जा सकते हैं, मतलब S1 डॉट मतलब S1 के अंदर हम लोग सेट रोल नंबर, वो पेपर का नाम होगा ठीक है, D1।
यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रोल बार नंबर एक बार देता नंबर हूँ, दे दे इंटीजर है तो 1001 मैं ले लिया यहाँ पे, इसमें। ठीक है, क्योंकि ये 101 जो है, 1001 जो है इंटीजर में, तो हम लोग डायरेक्ट पास करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे चले जाएगा, ग्रामर लिखा है ना। यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, और आर की वैल्यू जो है रोल नंबर में चले जाएगी, असाइन कर देगा उसमें, ठीक है। और ये जो हमारा डेटा मेंबर है, जो कि प्राइवेट मेंबर था, वो इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग सबके लिए कर ये देंगे, कहाँ था ये एस वन रजिस्टर होगा। डॉट अच्छा वही है सेट ये नेम, वही है ये ना। वैसे ठीक है। और नेम स्ट्रिंग ये में तो हम लोग देखो डबल ये कोट्स में लिखेंगे, जैसे ना मैं डाल रहा हूँ एक फिर होगा गुलशन, ही क्या ना बस और हो गया क्या ठीक है। एस वन डॉट सेट एज, ठीक ये है, फिर मैं जो यहाँ पे होगा फिर डालता देखते हैं हूँ जो भी 21, ये सेकंड ईयर। ठीक है। एस वन डॉट अरे पहले मोबाइल निकालने गए नंबर, थे चार यहाँ। ओके ठीक है। मोबाइल नंबर इंटीजर में तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कोई भी बताओ नंबर ले, मैं ले लेता हूँ तो इस प्रकार से, नीचे वाला है दो वाला ठीक है। एस वन डॉट क्या है हम लोग का है, लास्ट एड्रेस, दोनों का ये है सेट ये दोनों का एड्रेस, स्टेप है ना। ठीक है। डबल कोट्स में लिखता हूँ मैं कापियाँ कहाँ भिलाई, हैं ठीक हाँ कापियाँ आप तो मैं नीचे रखी हैं ले है। आओ ले आओ पांचों को फिर मैं सेट कर दिया, हाँ ऊपर पहुँचा दो आप ही लास्ट में होंगे और खाली कौन होगा ये देखूँगा। हाँ दुबे तो पहुँचाता हूँ ऊपर पहुँचाओ ना ठीक है। सेट रोल नंबर से देखता हम लोग सभी की वैल्यू को सेट कर लिए, ऊपर खुला है ठीक ऊपर है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए मैं ले रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा क्या लूँगा, यहाँ लेते हैं अपन रोल नंबर इस, या फिर इस टाइप से, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। रोल नंबर ऐसा हम लोग दे दिए, और यहाँ प्लस दे के हम लोग क्या करेंगे, एस वन डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग वैल्यू को सेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को प्रिंट करना है ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग यहाँ स्ट्रिंग दिए हैं, ठीक है। और उस यहाँ पे एस वन डॉट गेट रोल नंबर, क्योंकि एस वन के अंदर में ही है ये, ठीक है। गेट रोल नंबर जो है किसके अंदर में, स्टूडेंट के ही अंदर में, तो स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है एस वन, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अरे यार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेम, ठीक है। कॉपी करने से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है। सेट सॉरी गेट नेम, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा एज, ठीक है। यहाँ पे गेट एज, ठीक है। सभी को हम लोग कॉल कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। सब चीज़ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं, यहाँ पे गेट मोबाइल, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में एड्रेस, ठीक है। सबको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। जब भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो अलाइनमेंट जो इंडेंटेशन है वो मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अगर उस प्रोग्राम को खोल ले कभी भी, ठीक है, तो वो समझ में आए अपने को, ठीक है, क्लियर है। इतना समझ में आया कि नहीं आया,
अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, क्योंकि फाइल नेम को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। उस फाइल के अंदर दो क्लास है, कौन कौन से? स्टूडेंट है और डेमो स्टूडेंट है। ठीक है, मोबाइल नंबर में एरर बता रहा है, टू लार्ज। अच्छा ठीक है, इस टाइप का एरर होता है मोबाइल नंबर में। इसको हम लोग कम कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, बाद में हम लोग स्ट्रिंग में ले सकते हैं इसको। हाँ, लॉन्ग वगैरह हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कम कर देते हैं। के नॉट फाइंड सिम्बॉल S1 डॉट मोबाइल नंबर। अच्छा, S1 डॉट सेट मोबाइल नंबर। ठीक है, ले तो लेना चाहिए वैसे। देखो, जितने बार भी चेंजेस करते हैं ना, सेव करना है इसको, है ना? सेव नहीं करोगे तो कंपाइल करते समय पुराना ही कोड कंपाइल होगा। ठीक है, हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब जिसमें मेन मेथड है, मेन मेथड किसमें है हमारा? डेमो स्टूडेंट के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग इसको रन करेंगे। ठीक है, डेमो स्टूडेंट को रन करने से क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा डेमो स्टूडेंट। ठीक है, और एंटर मार देंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अच्छा, स्ट्रिंग आज तो लिखे ही नहीं यार हम लोग, बड़ा दिक्कत है। ये आर्गुमेंट देना जरूरी है ना? ब्लैंक आर्गुमेंट जाता है, या फिर हम लोग कोई वैल्यू है अगर देना है वो हम लोग दे सकते हैं ना? ठीक है, वापस से हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल हो गया और यहाँ रन करेंगे। ये देखो आ गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, वैल्यू सेट हुई और वैल्यू हम लोग को एक्सेस करके मिल गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हम लोग किसी भी प्राइवेट मेंबर को वैल्यू सेट करते हैं और उसको उससे वैल्यू एक्सेस करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? पक्का? हाँ, देखो वो जो रहता है ना, आर्गुमेंट्स होता है जब भी मेन। एक्चुअली ये जो रहता है, ये कमांड लाइन होता है, इसको हम लोग कमांड लाइन बोलते हैं। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिखे जावा डेमो स्टूडेंट और उसके बाद कुछ नहीं लिखे। ठीक है, रन करते समय अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी दूसरी वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो वैल्यूज जो होती है वो यहाँ पे कैच करती है इस एरे पे। ठीक है, मतलब मेन में हम लोग जो भी आर्गुमेंट देते हैं वो कोई ना कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग इस क्लास के बाद में कोई भी आर्गुमेंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रन करते समय, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? वहां से जो भी आर्गुमेंट पास होगा वो यहाँ पे कैच करता है। ठीक है, अभी कोई ब्लैंक हम लोग मतलब कुछ भी आर्गुमेंट्स वहाँ नहीं पास कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ ब्लैंक जा रहा है, ब्लैंक को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो कमांड लाइन का भी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम, तो उससे समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है कैसे यूज होता है। ठीक है, देखो देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे स्टूडेंट। अब देखो, जब भी हम लोग कोई एक क्लास बनाते हैं तो क्लास क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट डेटा टाइप है, किसके लिए बनाया गया है? स्टूडेंट के लिए बनाया गया है।
ठीक है, हमने यूज़र डिफाइंड क्या बनाया यहाँ पे, डेटा टाइप बना लिया। इस डेटा टाइप के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, और 10 ठोक हमारे पास मेथड है। ये सारे के सारे स्टूडेंट में अवेलेबल है। अब हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, इतना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हर बार अलग 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 लेते थे, ठीक है। अब हम लोग उसको क्या कर लिए, एक सिंगल डेटा टाइप में डाल दिए और वहीं से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ये बार बार हम लोग को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग एक स्टूडेंट का डिटेल अगर लें, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग को 5 टाइप की डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है, और हम लोग उसको सेट भी कर सकते हैं और वैल्यू वहीं से ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किसका वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, सीधा क्लास का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल ना बोल के हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। कोई भी मतलब रियल टाइम एंटिटी होती है, जैसे हम लोग ट्री है, ठीक है, बॉटल होता है, डस्टर होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, ठीक है, या हम लोग खुद होते हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स है, वो सब क्या ऑब्जेक्ट है। अगर उसको लेके अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को कैटेगराइज कर दिए हैं, ठीक है, उसका एक क्लास बना दिए कि स्टूडेंट है। अगर हम लोग बोलेंगे कि किसी का रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, एड्रेस है, इस टाइप का हम अगर हम लोग बोलेंगे, तो सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टूडेंट है, ठीक है। अब वही स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग क्या बना दिए, उसका एक क्लास बना दिए, मतलब एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग बना दिए, ठीक है। उसी का हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। इतना अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बनेगा रेफरेंस वेरिएबल। क्या बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। साथ में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। न्यू कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड लिखने से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बस इतना लिखता हूँ, तो ये क्या बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, कोई भी मेमोरी इसको असाइन नहीं होगी। क्लियर है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ, देखना क्या बताएगा। ठीक है, मैं इसको कंपाइल कर लिया, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एरर, वेरिएबल एस वन माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है, मतलब वेरिएबल एस वन जो है इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ इनिशियलाइज, जब उसको मेमोरी मिलेगी तब तो इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे S1 को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, मतलब उसको मेमोरी देना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेमोरी देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे इक्वल टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। न्यू से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, वो कैसे इनिशियलाइज करता है, यहाँ पे ये होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो वैल्यू के थ्रू वो उसको इनिशियलाइज करेगा, न्यू कीवर्ड से मेमोरी भी देगा और साथ में इसके साथ में जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देगा उस वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट एस वन लिखने से क्या हुआ, उसका रेफरेंस वेरिएबल तो बन गया लेकिन मेमोरी नहीं है उसके पास। मेमोरी कब मिलेगी, जब हम लोग इक्वल टू न्यू लिखेंगे, तो उसको फ्रेश न्यू मेमोरी वहाँ मिलेगी, ठीक है। अब न्यू मेमोरी तो मिल गई उसको, अब उसके अंदर वैल्यूज़ क्या डालेगा, ठीक है, सबसे पहले उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। किससे इनिशियलाइज कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं किया, कमेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कोई भी वैल्यू नहीं दिया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं उसको उसकी गेट
डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज को रिट्रीव कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ वापस से और रन करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा नल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करते हैं और ऑब्जेक्ट से वैल्यू एक्सेस करते हैं।